ओम गणेशाय नमः। इंद्रा एकादशी व्रत कथा के मुताबिक सतयुग में महिष्मती नगरी के राजा इंद्रसेन को नारद मुनि ने अपने मृत पिता का संदेश दिया था। नारद जी ने राजा इंद्रसेन को बताया था कि उनके पिता ने कहा है कि जीवन में एकादशी का व्रत भंग हो जाने की वजह से उन्हें अभी तक मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है और वे यमलोक में ही रह गए हैं। इस पर राजा इंद्रसेन ने व्रत करने का संकल्प लिया और पितृपक्ष की एकादशी को विधि विधान से उसका व्रत रखा। उन्होंने पितरों के लिए मौन रहकर भी ब्राह्मण भोज और गौदान दिए। इसके बाद उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिली और वे वैकुंठ लोक को पहुंच गए। इस वजह से उस दिन से इस व्रत का नाम इंद्रा एकादशी पड़ गया। कुछ बातें इस दिन से जुड़ी हुई। अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में आती है ये एकादशी और इसे एकादशी श्राद्ध भी कहा जाता है। मान्यता तो यह भी है कि इस दिन व्रत रखने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम गणेशाय नमः। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है और इसका फल क्या है, सुकृपा करके हमसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली और पितरों को अधोगति प्राप्त करने वाली एकादशी है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो और इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन किया करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न था और विष्णु भगवान का परम भक्त भी था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठे हुए थे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधिपूर्वक आसन और अर्घ दिया। सुख में बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवऋषि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत भी हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुने। मैं एक समय ब्रह्मलोक में यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेश भेजा है सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमलोक में ही यमराज के निकट रह गया हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण एकादशी इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि तो मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें, फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें, फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार ही एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलहार का भोजन कराएं और दक्षिणा भी दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उन्हें सूंघ कर गौ को दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नवेद आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन रहकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे।
इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधुओं और दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गया है। युधिष्ठिर, इस इंद्रा एकादशी के व्रत का महत्व में मैंने तुमसे कहा, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय।